प्यारे, कभी भी अन्याय पूर्व छल से, कपट से, बेईमानी से कैसे भी संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। झूठ से, फरेब से कुछ भी न करे, सत्य बोले, भगवान को बोलो कैसा पसंद है, जैसे आप हैं। ठाकुर कहता है जैसे आप हैं वैसे ही हमारे सामने प्रस्तुत हो जाओ, हम सदा सदा के लिए तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन हम जैसे हैं वैसे दिखते नहीं है, और जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। बोलो, यही अंतर हमें परमात्मा से दूर किए, यही अंतर परमात्मा से दूर किए। जाने क्या क्या झूठे सपने, जाने क्या क्या सब इकट्ठा करते हैं, कूड़ा करकट। होते कुछ हैं, अपने को बनाते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। एक पत्नी ने एक दिन अपने पति से कहा कि जब शादी नहीं हुई थी तब तो तू कहता था कि हम आसमान के तारे तोड़ के तुझे दे देंगे, अब सब्जी भी नहीं लाता है। ये जो हम करते हैं, कुछ का कुछ बोलते हैं, ये नहीं करना चाहिए। यथार्थ में जीना चाहिए, हम जैसे हैं उसी में जीना चाहिए, और जैसे हैं वैसे ही हमें अपने को समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। जब अक्रूर जी ने पूछा धृतराष्ट्र तुम जानबूझकर ये पाप क्यों करते हो, ये अनाचार क्यों कर रहे हो भाई, पांडवों को उनका हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हो? तो धृतराष्ट्र ने कहा अक्रूर जी तुम्हारी बात तो हमें बड़ी समझ में आती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब दुर्योधन हमारे सामने आता है तो हमारा सारा ज्ञान, विवेक, विचार सब कुछ खत्म हो जाता है। यही अंधा है, जो मोह में अंधा है वही अंधा है, जो अपने के कारण, अपने या अपनों के कारण जो अन्याय करे वही अंधा है, और कोई अंधा नहीं। अक्रूर जी जैसे स्फटिक पर्वत पर बिजली एक बार कौंधती और तुरंत समाप्त हो जाती है, अक्रूर जी ऐसे ही तुम्हारे विचार हमारे हृदय में आते हैं, लेकिन जैसे दुर्योधन आता है उसके सामने ये विचार सारे उसके मोह में बह जाते हैं, पता नहीं लगता। अक्रूर जी लौट आए, सारी बात कन्हैया को बताई। इधर कंस का जब कन्हैया ने वध कर दिया तो कंस की जो दोनों पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति, वो अस्ति प्राप्ति जरासंध के पास, अपने पिता के पास पहुंची। जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने जरासंध को 17 बार परास्त किया। 18वीं बार जब जरासंध आया तो अब की बार जरासंध काल यवन को साथ लाया। भगवान ने मथुरा छोड़ने का निर्णय ले लिया। ये जरासंध क्या है? जरा है बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आक्रमण करे तो ये मथुरा रूपी देह आसक्ति को तत्काल त्याग देना चाहिए, इसका आशय ये है। 50 वर्ष की अवस्था के बाद बुढ़ापा आक्रमण करने लगता है, और जब बुढ़ापा आक्रमण करने लगे तो इस देहाशक्ति रूपी मथुरा को छोड़ देना चाहिए, और द्वार का कहते हैं ब्रह्म को, और द्वार माने द्वार जो ब्रह्म का द्वार है, ब्रह्म के दरवाजे अर्थात भगवान के चरणों में अपने को लगा देना चाहिए। यही इस कथा का सार। भगवान ने मथुरा छोड़ने का निर्णय ले लिया। भगवान ने द्वारिका का निर्माण कराया और रात्रि में ही मथुरा को छोड़ करके चले गए। प्रवर्षण पर्वत पर पहुंचे भगवान। प्रवर्षण पर्वत क्या है? पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना। तो भगवान ने मथुरा छोड़कर कहां पहुंचे? प्रवर्षण पर्वत पर। हमें क्या संकेत दिया कि आप भी जब 50 के हो जाएं तो आप देह रूपी, ये देहाशक्ति रूपी संसार को छोड़कर, आसक्ति को छोड़कर आप भगवान की शरण में जाएं और क्या करें? कौन से पर्वत? बोले भक्ति रूपी पर्वत पर, प्रवर्षण रूपी पर्वत पर जाकर के और क्या सुने? बोले भगवान की कथा का श्रवण करने लगे। ये भगवान ने संकेत दिया। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर पहुंचे। वहां राजा मुचकुंद जो है वो तपस्या कर रहे थे। भगवान ने अपना पीतांबर राजा मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिया और स्वयं छुप गए। काले अवन पीछे लगा हुआ था। तो काले अवन ने जब पहुंचा तो देखा कि पीतांबर ओढ़े कोई लेटा हुआ। तो उसने सोचा कन्हैया लेटा है और कौन लेट सकता है, यही हमारे आगे आगे आया। तो बोले अच्छा, इस गुफा में आकर के चुपचाप लेट गया, युद्ध नहीं करना चाहता, युद्ध कर। और जैसे ही उस पीतांबर को हटाया तो राजा मुचकुंद की आंखें खुली और जैसे ही आंखें खुली काले वन जल करके भस्म हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी ने काले वन को यह वर दिया था कि यदुवंश का कोई भी व्यक्ति तुम्हें मार नहीं सकता, इसलिए कन्हैया ने ये सब मुचकुंद से उनको मरवाया। मुचकुंद ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा मुचकुंद एक बात सुनो, तुमने जवानी में बड़ी विलासता की है इसलिए तुम मुक्त तो नहीं हो सकते। हाँ, अगले जन्म में तुम जरूर हो सकते। तो वही राजा जो मुचकुंद थे महाराज, वही अगले जन्म में भगवान के परम भक्त नरसिंह हुए। नरसिंह जी की आपने कथा सुनी होगी। नरसिंह जी गुजरात के जूनागढ़ जो रियासत थी उसी के रहने वाले थे। नरसिंह जी का जन्म मेहता परिवार में हुआ था। बड़ा संपन्न परिवार था। बचपन में ही नरसिंह के पिता की मृत्यु हो गई। अनाथ हो गए नरसिंह। और जो नरसिंह का भाई था वो पढ़ा लिखा था, तो वो जूनागढ़ के जो राजा थे उसके यहां वो कोतवाल हो गया। नरसिंह तो अपने मस्त थे, पिता की मृत्यु हो गई तो दादी ने पालन पोषण किया, विवाह करा दिया। विवाह हो गया, उससे एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम नरसिंह ने रामा रखा। रामा बड़ी हुई, परिवार संपन्न था। तो दादी ने दूसरे बेटे से कहा बेटा इसका विवाह करा दो। तो जो दूसरा भाई था सबने मिलकर के रामा का विवाह भी एक संपन्न परिवार में करा दिया। तो रामा का विवाह हो गया। नरसिंह पास में एक आश्रम था जिसमें सूरदास रहते थे, संत। सब सूरदास संत थे, वही रहते थे। तो नरसिंह क्या करते थे, वहीं जाकर के अपना भजन करें और जब भूख का समय हो तो आकर के घर पे भोजन कर लें, बस इतना करते थे और फिर अपने आश्रम पे चले जाते थे। यही क्रम था। लेकिन हुआ क्या कि उनके जो भाई और भौजाई थे, भाभी थी, उनकी नजर उस संपत्ति पर थी कि कैसे पूरी की पूरी संपत्ति हमें मिले। तो वो नरसिंह जी को निकालने के चक्कर में थी। तो एक दिन नरसिंह जी आए और कहा कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ जलपान दे दो। तो उल्टा सीधा बोलने लगी भाभी भी, भाई भी। निकाल दिया नरसिंह। नरसिंह कोई बात नहीं। संत कौन है? जो दुख में भी और सुख में भी, दोनों में भी सम रहे, दोनों में जिसे कोई चिंता न हो, दोनों में जो मस्त रहे। और हम क्या करते हैं? हम सुख में तो इतने खुश, आहा बड़ा आनंद, सबको पता लग जाता है हम बहुत प्रसन्न है, लग जाता है। और जहां जरा सा भी दुख आया, ये देखो फिर क्या दशा हो। अरे नहीं, दुख भी उसके, कुंती ने तो दुख ही मांगा था, कुंती ने तो दुख मांगा था। अरे प्यारे, मुझे देना चाहते हो तो दुख दे देना, क्योंकि ये दुख ही ऐसा है जो आपका स्मरण कराता रहता है। सुख तो आपको भुलाने का एक माध्यम है, इसलिए सुख मत देना मुझे, मुझे देना है तो दुख देना। तो मस्त नरसी मस्त, संत मस्त होते हैं हर हाल में, जो खुश रहे। जाहि विद राखे राम ताई विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के। ऐसे रहना चाहिए, इस तरह रहना चाहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। जैसे भगवान रखना चाहिए वैसे रहना चाहिए। संत तो यही कहते हैं, प्रहलाद ने भी यही कहा था और संत भी यही कहते हैं कि ये सुख भी तुम्हारे हैं, ये दुख भी तुम्हारे हैं, ये सुख भी तुम्हारे हैं, ये दुख भी तुम्हारे हैं, ये सुख भी तुम्हारे हैं, ये दुख भी तुम्हारे हैं। मुझे सुख भी प्यारे हैं, मुझे दुख भी प्यारे हैं, मुझे सुख भी प्यारे हैं, मुझे दुख भी प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मुझे सुख भी प्यारे हैं, गोविंद मुझे सुख भी प्यारे हैं। दुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं, सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। बनाते हैं, सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के, संसार की नदिया के, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। किनारे हैं संसार की नदिया के, दोनों ही किनारे हैं। मुझे सुख भी प्यारे हैं, मुझे दुख भी प्यारे हैं, मुझे सुख भी प्यारे हैं, मुझे दुख भी प्यारे हैं। दुख चाहे ना कोई, इतने लोगों में कौन दुख चाहता है? कोई नहीं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं। गोविंद हरि बोल। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले तो ये समझो, सुख मिले तो ये समझो, ये दुख भी हमारे हैं। सुख मिले तो ये समझो, ये दुख भी हमारे हैं। दुख भी हमारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं प्यारे गोविंद हरि बोल। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में तुझे याद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। शुक्र करो, दुख में फरियाद करो। सुख में तेरा शुक्र करो, दुख में फरियाद करो। सुख में तेरा शुक्र करो, दुख में फरियाद करो। इस हाल में तू रखे गोविंद हरि प्यारे मेरे नाथ। जिस हाल में तू रखे, उस हाल में याद करूं। जिस हाल में तू रखे, उस हाल में याद करूं। तेरी याद में मैंने, तेरी याद में मैंने ये संगीत समारे हैं। तेरी याद में मैंने संगीत समारे हैं। मुझे प्यारे हैं, मुझे दुख भी प्यारे हैं, मुझे दुख भी प्यारे हैं। जय जय श्री राधे। नरसी भक्त मस्त थे, हर पल मस्त, हर क्षण मस्त। घर से निकाल दिया फिर भी कोई बात नहीं। जाकर के जो सूरदास रह रहे थे आश्रम में, उसी आश्रम में नरसी भी रहने लगे। नरसी भी रहने लगे। इधर जिस बेटी रामा का विवाह हुआ था, उस रामा के एक बेटी हुई और वो बड़ी हुई। उसका विवाह तय हो गया तो वहां से भात के लिए निमंत्रण आया। अब बिचारों के पास कुछ नहीं। नरसी तो घर से भी निकाल दिए, धन की बात क्या, उनके पास तो कुछ भी नहीं रहा। उन सूरदासों के साथ आश्रम में जीवन व्यतीत करें। पहले तो वो रामा की सास और ससुर निमंत्रण भेजने को ही तैयार नहीं थे। अरे उस कंगाल के पास क्या भेजे निमंत्रण, क्या उस भिखारी के पास हम निमंत्रण भेजे? अरे उसके आने से तो हमारा सम्मान नहीं, हमारा अपमान होगा। क्या करेगा आकर के, और फिर आकर के करेगा भी क्या, लाएगा भी क्या? ऐसे ही खड़ा हो जाएगा, हमारा अपमान और करेगा। लड़के भी ने कहा पिताजी निमंत्रण मत भेजो। अरे भात की बात रहेगी, हमारे पास कौन सी कमी है, अरे हम व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन रामा ने कहा नहीं, आप निमंत्रण अवश्य भेजें, मैं इतनी बड़ी हो गई लेकिन आज तक मैंने अपने पिता का मुंह नहीं देखा। कम से कम इस अभागी बेटी, ये अभागी बेटी कम से कम अपने पिता का मुख तो देख लेगी, अरे अपने भाई को तो देख लेगी, क्योंकि नरसी के एक पुत्र भी था। पत्नी और पुत्र, रामा के विवाह के बाद पुत्र की भी मृत्यु हो गई थी और पत्नी भी समाप्त हो गई थी, लेकिन ये बात रामा को नहीं पता थी। रामा सोचती है कि जब पिताजी आएंगे तो भाई अवश्य आएगा, तो आज तक जिस भाई को मैंने नहीं देखा कम से कम उस भाई को मैं देख तो लूंगी। कौन ऐसी बहन है जो अपने भाई के लिए नहीं तड़पेगी, नहीं व्याकुल होगी, नहीं अकुलाएगी? आज तक मैं ये भी नहीं जानती कि मेरा भाई है कैसा। लेकिन रामा को क्या पता कि उसका भाई इस दुनिया में है ही नहीं, रहा ही नहीं। निमंत्रण अवश्य भेजो, कृपा करो, लेकिन पर्चा कुछ मत बनाना, पर्चा मत बनाना। निमंत्रण भेज दिया। अब सूरदास, अब नरसी जी के पास निमंत्रण आया। सूरदासों के पास रह रहे, वहां तो कोई व्यवस्था नहीं, खाने की मुश्किल किससे व्यवस्था हो पाए। चाचा के पास गए, भाई के पास गए, सबने मना कर दिया। बोले भाग्य आशा, तो रोज एक समस्या लेकर के आ जाता है, सबने भगा दिया। अब नरसी ने सोचा क्या करें, तो दो चार जो उनके परिचित थे उनके पास गए, सबने मना कर दिया। एक ने देने के लिए बैल तैयार हो गए, जो सबसे बूढ़े बैल थे, जो हल में चलने लायक नहीं थी, वो बैल नरसी को दे दिए, और एक टूटी गाड़ी थी वो दे दी कि जाओ ये ले जाओ। नरसी उसी में बहुत प्रसन्न, बहुत खुश। वही टूटी गाड़ी और वही जीर्ण सीर्ण बैलों को लेकर के उस गाड़ी में जोड़ा, और उन सूरदासों को, जो 16 सूरदास थे उस आश्रम में रह रहे थे, उन सबको उस गाड़ी में बिठा लिया। एक तो टूटी गाड़ी, पुरानी गाड़ी, उस पर 16 सूरदास बैठे, सत्र में अपना गाड़ी को चलाने लगे। तो गाड़ी जाकर के रास्ते में वैसे भी जीर्ण सीर्ण थी, गाड़ी टूट गई। नरसी जी गाड़ी संभाल रहे हैं, लेकिन कैसे संभले, टूटी गाड़ी निकले ही ना। तब तक एक आवाज सुनी नरसी ने, गाड़ी वाले हमें बिठा ले, फिर तू गाड़ी थाम, भगत में हार गया हूँ, भगत में हार गया हूँ, भगत में हार गया हूँ। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, फिर तू गाड़ियाँ, भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, फिर तू गाड़ियाँ, भगत में हार सरसी भगतियों कहने लागे गाड़ी मेरी पुरानी है। सरसी भगतियों कहने लागे गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसी भगत क्यों कहने लागे गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसी भगत यूँ कहने लागे गाड़ी मेरी पुरानी है। गाड़ी तेरी ठीक करूँगा ये मैंने मन ठानी है। गाड़ी तेरी ठीक करूँगा ये मैंने मन ठानी है। अच्छा एक बात बताओ, कौन गाड़ी ठीक कर सकता है? बोलो, संसार कर सकता है? परिवार कर सकता है? पुत्र कर सकता है? गाड़ी अगर ठीक कराना चाहते हो तो उसी की शरण में जाना पड़ेगा। गाड़ी तेरी ठीक करूंगा ये मैंने मन ठानी है। गाड़ी तेरी ठीक करूंगा ये मैंने मन ठानी है। गाड़ी तेरी ठीक करूंगा ये मैंने मन ठानी है। ये मैंने मन ठानी है। खाती मेरी जात भगत जी, खाती मेरी जात भगत जी, कृष्णा मेरा नाम भगत में हार गया। भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले फिर तो गाड़ियाँ भगत में हार गया। भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले फिर तो गाड़ी हाँ भगत में हार गया। भगत में हार गया। सुधारने हरी हाथ में आ रही थी। गाड़ी लगे सुधारने हरी हाथ में आ रही थी। गाड़ी लगे सुधारने हरी हाथ में आ रही थी। गाड़ी लगे सुधारने हरी हाथ में आ रही थी। हरी हाथ में आ रही थी। नरसी भगत की टूटी गाड़ी, नरसी भगत की टूटी गाड़ी हरि ने तुरंत संवारी थी। नरसी भगत की टूटी गाड़ी हरि ने तुरंत संवारी थी। हरि तुरंत संवारी थी। हरि तुरंत संवारी थी। नरसी कहे मैं भजन सुना दूँ, नरसी कहे मैं भजन सुना दूँ, पहले न मेरे दाम भगत में हार गया। भगत में हार गया। भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, गाड़ी वाले हमें बिठा ले फिर तू गाड़ी हाँ भगत में हार गया। भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले फिर तो गाड़ी हाँ भगत में हार गया। भगत में हार गया। भगत में हार गया। भगवत भक्तों, आपको जानकर महान हर्ष होगा। भारत के हिंदुओं के गौरव राष्ट्र रक्षक, राष्ट्र के सजग प्रहरी परम धर्म संवाहक संत प्रवर परम श्रद्धेय पंडित बाबा नंद किशोर मिश्र जी, जो कि अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन है ऐसे संत प्रवर को। उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है, उनका वंदन है। संत वो है जो कभी अपने लिए नहीं जीता है, जो जन्म ही लेता है दूसरे के लिए, जो जन्म भी लेता है दूसरे के लिए और प्राण भी देता है दूसरे के लिए, जो जीता है दूसरे के लिए और मरता भी दूसरे के लिए है, वही संत है। ऐसे संत का हम इस व्यासपीठ से स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। अपने लिए तो स्वान भी जीता है, अपने लिए तो पशु पक्षी कीट पतंगा भी जीता है। यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। अच्छा, आपने देखा होगा, अगर एक जगह आप अपने भोजन कभी रखा है पशुओं के लिए, बोल रखा है, देखा तो होगा किसी ने। अगर एक जगह पशु के लिए भोजन रख दो ना और दो पशु छोड़ दो तो खाएंगे कम, लड़ेंगे ज्यादा। तो यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, जो दूसरे के लिए अपना जीवन दे दे, जो दूसरे के लिए अपना जीवन खपा दे, समाज के लिए जो अपना जीवन खपा दे, राष्ट्र के लिए जो अपना जीवन खपा दे, अपने को मिटा दे, वही संत है। अच्छा, वृक्ष पर जब फल लगा होता है, बड़ा सुंदर फल लगा है वृक्ष पर, और आप उसे पाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है मैं इसे खाऊं, इतना सुंदर फल, तो कैसे तोड़ते हैं? बोलो, डंडा मार के तोड़ते ना, उसमें डंडा मारते तभी तो टूटता है। तो जिससे डंडा मार करके भी, जिसमें डंडा मारा जाए, जिसे प्रताड़ित किया जाए, फिर भी वो आपको कुछ न कह करके आपको मधुर फल प्रदान करे, वही संत है। आपकी प्रताड़ना सह करके भी, प्रताड़ना सह करके भी समाज की, जो समाज को मधुर फल दे, वही संत है, वही संत है। जो दुख में भी सुख ढूंढ ले, वही संत है। जो परिस्थितियों को भी, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अपनी मन स्थितियों से बदल दे, वही संत है, वही संत है प्यारे। एक संत थे महाराज, मार्ग से जा रहे थे, आनंद पूर्वक मार्ग से जा रहे थे। एक व्यक्ति उधर से निकल रहा था, दोपहर का लगभग समय था। तो संत ने उनसे पूछ दिया, महाराज कितना टाइम हो गया, टाइम क्या हुआ? तो वो व्यक्ति हाथ में डंडा लिए था एक, तो उसने संत के सर में एक डंडा मारा और बोला 1 बजा है, 1 बजा। संत नाचने लगे, हंसने लगे, क्या बात है ठाकुर, तेरी तो लीला ही अजब है, तू तो बड़ा अच्छा है, तेरे जैसा तो कोई नहीं है। बोले महाराज, ये हंसने की और नाचने की इसमें क्या बात है? इसने तो बहुत बड़ा अपराध किया, आपको तो क्रोध करना चाहिए था, इसको दंड देना चाहिए था, या इससे कुछ कहना चाहिए था, इससे बुरा भला कहना चाहिए था। आप नाच रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं कि प्रभु तेरे जैसा तो कोई नहीं है, तू तो बहुत ही उदार है, बहुत कृपालु है, बड़ा दयालु है प्यारे, तेरे जैसा ठाकुर तो दूसरा हो ही नहीं सकता, ये क्यों कह रहे हैं आप? तो संत ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? अरे तुम्हें इतना भी होश नहीं, कितनी बड़ी उसने कृपा की है हम पर। अगर यही समय हमने 1 घंटे पहले पूछा होता तो हमारी क्या दशा होती? अभी तो एक ही लगा, और 1 घंटे पहले अगर पूछा होता तो कितनी बड़ी कृपा की है उस ठाकुर ने, जो परिस्थितियों को भी अपनी मन स्थितियों से बदल दे। वही संत है, वही संत है, वही संत है। नरसिंह जी की गाड़ी को संभाला प्रभु ने, और नरसिंह जी ने कहा, अब आप जा क्यों रहे हो? आपने इतना बड़ा हमारा काम किया है। देखो भाई, हमारे पास कुछ देने को तो है नहीं, पैसे तो आपको नहीं दे सकते, आप कहो तो आपको भजन सुना दें। तो नरसिंह जी ने कन्हैया को भजन सुना दिया। कन्हैया जब चलने लगा, कन्हैया ने कहा, देखो ठीक है, अब हम साथ नहीं आपके जा सकते, हमें थोड़ा काम है, इधर ही यहीं उतरना है, नगर के बाहर ही। कन्हैया उतर के चला गया। नरसी अपनी टूटी फूटी वही गाड़ी लेकर के 16 सूरदासों को बैठा करके पहुंचे नगर में। और जैसे ही रामा के ससुराल वालों ने देखा कि एक तो टूटी गाड़ी, मरना सन्न बैल, जो कभी भी मर सकते हैं, ऐसे बैल उसमें जुड़े हुए, और उसके बाद इतना ही नहीं, उसमें 16 अंधे सूरदास बैठे हुए, किसी को दिखाई न दे। अब तो रामा का ससुर बड़ा परेशान। देखो, मैं पहले ही कह रहा था कि इस भिखारी को मत बुलाओ, इस कंगाल को मत बुलाओ, अरे ये आकर के हमारा अपमान ही करेगा रिश्तेदारों में, कितनी हमारी कितनी गरिमा गिरेगी, हमारी कितनी कितना अपमान बड़ा होगा। इसे बुला लिया। अब लड़के से विचार विमर्श किया, इसे ठहराए, कहाँ ठहराओगे बताओ, जहाँ ठहराओगे 2-4 रिश्तेदार वहां इसे मिल ही जाएंगे, और ये परिचय अपना तुरंत ही देगा तो हमारी तो नाम कट जाएगी, इसलिए जाओ इसे गौशाला में रुकवा दो। तो नरसिंह जी की गाड़ी को गौशाला की तरफ घुमा दिया कि जाओ, चलो यहाँ रुको भाई, यहाँ तुम्हारा स्थान है। गौशाला में गए नरसिंह जी, बड़े खुश, बोले देखो ठाकुर ने कितनी बड़ी कृपा की है, कितनी अच्छी जगह हमें रोका है, अरे यहाँ खूब भजन बनेगा, एकांत में खूब प्रभु ठाकुर का भजन होगा, कितनी अच्छी कृपा की है उस प्यारे ने, देखो कितना अच्छा स्थान दे दिया एकांत। यही तो मैं चाहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं भीड़ में रोकते हम भजन भी न कर पाए। ये संत है।